गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चुंबकत्व एवं द्रव्य मैग्नेटिज्म एंड मैटर एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 के सेकेंड वीडियो में मिल रहे हैं। यह हम लोगों का दूसरा वीडियो होगा। पिछले वीडियो में कुछ बच्चों के सवाल थे, जैसे कि सर नोट्स क्वेश्चन के अनुसार लिखवाइए। ऐसा बात नहीं है बहादुर, आप पढ़िएगा। तो चूंकि पहले आप मैट्रिक तक पढ़ते थे तो उसका क्वेश्चन और आंसर का लिखने का तरीका अलग होता था। जब आप इंटर में आते हो तो एक ही बात को अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। और ये बात हमने सेट जो दिया है आप लोगों को क्लासरूम में, उस सेट से पता भी चल जाता है कि सेट में हमने क्वेश्चन जब डाला है तब समझ जाता कि यही क्वेश्चन है लेकिन पूछने का तरीका कुछ और है। तो एक ही आंसर को अलग अलग 10 तरीके से 15 तरीके से पूछा जा सकता है। इसलिए क्वेश्चन और आंसर कह के जो आप लोग लिखवाते हैं ये ऐसा संभव नहीं है। इसके बाद कुछ बच्चों का सवाल था कि सर वीडियो में ही आप नोट्स लिखवाइए। तो वीडियो में नोट्स लिखवाएंगे बहादुर तो समझा उतना अच्छा से नहीं पाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा लंबा हो जाएगा, समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। नोट्स हम आपको भेज ही दे रहे हैं और हम उसको समझा रहे हैं। अब सोचेगा कि लिखवाएं हम बोल बोल करके तो समय ज़्यादा लग जाएगा। इसके अलावा जो हमने कल ये पर्ची पिछला वीडियो में बताया था कि इसी पर अपना मोबाइल नंबर लिख करके भेजना है, तो कुछ लोग इस पर मोबाइल नंबर ना लिख करके नीचे टाइप करके मोबाइल नंबर लिख के भेज रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा। इसी पर पेन से लिख करके भेजना था, और कुछ लोग तो मोबाइल नंबर लिख के भेज ही नहीं रहे हैं तो फिर उनको प्रॉब्लम होगी। चलिए अब हम आगे आते हैं। तो पिछला क्लास में हम आपको बताए थे कि किसी पदार्थ को चुंबकृत और अचुंबकृत करने का मतलब क्या हुआ। अचुंबकृत करने का मतलब है उसके अंदर परमाणुओं को अनियमित दिशा में सजा देना, और चुंबकृत करने का मतलब है परमाणुओं को एक ही दिशा में सजा देना। अभी हम बात करने वाले हैं अचुंबकृत करने की विधि और चुंबकृत करने की विधि। तो बहादुर, यदि किसी चुंबक को जमीन पर आप पटकेंगे तो उसके चुंबकीय गुण धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। किसी चुंबक को जमीन पर आप बार बार पटकिएगा, धीरे धीरे मैंने अनियमित रूप से पटकिएगा, तो जो है उसके चुंबकीय गुण धीरे धीरे कम हो जाएंगे। जब आप चुंबक को जब पटकते हैं, उस पर चोट करते हैं, जब चुंबक पर पीटते हैं, चोट करते हैं जब चुंबक को, तो भी उसके चुंबकीय गुण धीरे धीरे कम होने लगते हैं। जब चुंबक में अनियमित रूप से जैसे तैसे धारा बहाइएगा तो भी उसके अंदर के चुंबकीय गुण धीरे धीरे कम होने लगते हैं। यानी जमीन पर पटकिएगा तो चुंबकीय गुण कम होंगे, उसको पीटिएगा तो चुंबकीय गुण कम होंगे, और उसमें जैसे तैसे धारा बहाइएगा तो चुंबकीय गुण कम होंगे। अब चुंबकीय गुण आएंगे कैसे? तो नियमित दिशा में धारा बहाइएगा। यदि आप नियमित दिशा में धारा बहाते हैं तो आपके अंदर चुंबकीय गुण आ जाता है, उस वस्तु के अंदर चुंबकीय गुण चला आता है। जब चुंबक को किसी लोहे के छड़ को उत्तर दक्षिण दिशा में जमीन में गाड़ देते हैं, किसी लोहे को उत्तर दक्षिण दिशा में जमीन में गाड़ देते हैं तो भी उसके अंदर चुंबकीय गुण आ जाता है, तो भी उसके अंदर चुंबकीय गुण आ जाता है। अब हम बात करने वाले हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान दीजिएगा बहादुर। किसी भी चुंबक में दो गुण हमेशा पाए जाते हैं, किसी भी चुंबक में दो गुण हमेशा पाया जाता है। पहला, वो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। पहला, चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। एक चुंबक है जो लोहा को अपनी ओर खींच सकता है। तो चुंबक का दो गुण है, एक चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है और दूसरा बहादुर, जब भी चुंबक को लटकाएंगे तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में लटकता है। किसी भी चुंबक में दो गुण होता है। पहला, चुंबक को जब भी लटकाएंगे उत्तर दक्षिण दिशा में लटकेगा और वो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करेगा। बहादुर, लाइव क्लास के बारे में बहुत से लोग पूछ रहे हैं। लाइव क्लास चलेगा लेकिन अभी नहीं चलेगा, जब सब लोग मोबाइल ऐप चलाना सीख जाएंगे अच्छा से, मोबाइल ऐप आप रेगुलर यूज करना शुरू कर देंगे तो जो है लाइव क्लास हम हो सकता है कि चलाने। अभी अभी तो बहुत से बच्चों को ऐप चलाने ही नहीं आ रहा है,
तो इसीलिए प्रॉब्लम है, बहुत से लोगों के पास मोबाइल अभी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, कुछ लोग मोबाइल अभी व्यवस्था कर रहे हैं, तो सब लोग अस्थिर हो जाएंगे तो चलेगा। अभी आप वीडियो के माध्यम से पढ़िए। तो बहादुर, चुंबक में दो गुण होते हैं, चुंबक को लटकाएंगे तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में लटकेगा, और दूसरा वो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करेगा। यहाँ पर एक बहुत ही बेहतर ऑब्जेक्टिव आता है कि किसी भी चुंबक में मूल गुण विकर्षण होता है, किसी भी चुंबक की वास्तविक पहचान जो है विकर्षण है, किसी भी चुंबक की वास्तविक पहचान विकर्षण है। कुछ लोग नहीं समझ पाते इस चीज को, तब देखिए हम इसको ऐसे समझते हैं, जैसे ये एक चुंबक है और ये लोहा है, तो इसमें आकर्षण होगा, इसमें आकर्षण होगा, इस लोहा को पलट भी देंगे तो भी आकर्षण होगा, हमेशा आकर्षण ही होगा। और ये चुंबक है और ये भी चुंबक है, तो इसमें आकर्षण भी होगा और विकर्षण भी होगा, इनके बीच आकर्षण भी होगा और विकर्षण भी। अब बहादुर समझने की कोशिश करिएगा, हमें पता है कि ये चुंबक है, लेकिन ये नहीं पता है कि चुंबक है कि लोहा है, हमें ये नहीं पता है कि ये चुंबक है कि लोहा है, ये पता है कि चुंबक है, लेकिन ये वाला चुंबक है कि लोहा है पता नहीं है। तो हम लेकर आए दोनों को, तो दोनों आकर्षित हुआ, ये भी आकर्षित हुआ, ये भी आकर्षित हुआ, पता ही नहीं चला कि कौन चुंबक है कौन लोहा है। अब रिवर पलट के लेके आए, पलट दिए, तो पलट के लेके आए तो ये फिर आकर्षण हुआ, लेकिन इसमें विकर्षण हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि लोहा में कभी विकर्षण हो ही नहीं सकता, लेकिन चुंबक में विकर्षण होता है। इसका मतलब हुआ कि चुंबक का वास्तविक पहचान विकर्षण ही होता है। एक बार फिर से समझिए बहादुर, ये चुंबक है और ये लोहा है, ये दोनों चुंबक है, और ये वन और ये टू, ये दोनों चुंबक है, तो फाइनल है। इसमें बहादुर एक लोहा है और एक चुंबक है, पता नहीं है कौन लोहा है कौन चुंबक है, तो हम दोनों को लेकर के आए तो दोनों में आकर्षण हुआ, दोनों में ही आकर्षण हुआ, तो इस तरीके से हम पता नहीं कर पाएंगे कि कौन लोहा है कौन चुंबक है। लेकिन अब रिवर पलट के लेके आए, तो जब पलट के लेकर के आए तो इसमें आकर्षण ही हुआ, लेकिन इसमें विकर्षण हुआ, तो लोहा में बहादुर विकर्षण होता ही नहीं है, मतलब ये विकर्षण इसमें हुआ है, मतलब चुंबक में विकर्षण हुआ है, मतलब दो नंबर वाला चुंबक है। लोहा में चाहे पलट के ले माने करके लाइए, इधर करके लाइए, उधर करके लाइए, जब भी होगा आकर्षण ही होगा, लेकिन चुंबक में ऐसे है तो आकर्षण है, तो ऐसे कर दीजिएगा तो विकर्षण होगा। इसीलिए कहता है कि चुंबक का वास्तविक पहचान विकर्षण ही होता है, चुंबक का वास्तविक पहचान विकर्षण ही होता है। इसके बाद बहादुर, चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। वे चुंबक जो प्रकृति में स्वतः पाए जाते हैं, वे चुंबक जो प्रकृति में स्वयं पाए जाते हैं, वो प्राकृतिक चुंबक होते हैं। वे चुंबक जो प्रकृति में स्वतः पाए जाते हैं, वे चुंबक जो प्रकृति में स्वयं पाए जाते हैं, प्राकृतिक चुंबक होता है। और जो चुंबक प्रकृति में स्वयं नहीं पाए जाते हैं, जो चुंबक मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, वो कृत्रिम चुंबक होता है। वे चुंबक जो प्रकृति में स्वतः पाया जाता है, वे चुंबक जो प्रकृति में स्वतः पाया जाता है, वो प्राकृतिक चुंबक होता है। प्राकृतिक चुंबक काफी कमजोर होता है, प्राकृतिक चुंबक काफी कमजोर होता है। प्राकृतिक चुंबक अनियमित आकार के होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं। प्राकृतिक चुंबक अलग अलग आकार के होते हैं, काफी कमजोर होते हैं। कृत्रिम चुंबक बहुत शक्तिशाली होता है और यह निश्चित आकार के होता है, जैसे चाहेंगे वैसा हम इसको बना सकते हैं, क्योंकि यह मानव निर्मित है। प्राकृतिक चुंबक प्रकृति में स्वतः पाया जाता है, कृत्रिम चुंबक प्रकृति में स्वतः नहीं पाया जाता है।
प्राकृतिक चुंबक जैसे तैसे आकार के होते हैं और कृत्रिम चुंबक नियमित आकार के होते हैं। प्राकृतिक चुंबक बहादुर काफी कमजोर होते हैं और कृत्रिम चुंबक बहुत शक्तिशाली होते हैं। इसके बाद बात आती है, बहादुर समझने की कोशिश करिएगा, ध्रुव सामर्थ्य। ध्रुव सामर्थ्य पोल स्ट्रेंथ है, ध्रुव सामर्थ्य पोल स्ट्रेंथ है। शायद आप लोग भी जानते होंगे कि चुंबक की संपूर्ण शक्ति खास जगहों पर होती है। जैसे ये चुंबक है तो इस चुंबक की शक्ति सब जगह नहीं होगी, इस चुंबक की शक्ति सब जगह नहीं होगी, चुंबक की शक्ति खास जगहों पर होती है, चुंबक की शक्ति किनारों पर होती है, चुंबक की जो शक्ति है वो किनारों पर होती है। तो चुंबक की शक्ति किनारों पर होती है, जहां पर होती है उसी जगह को हम कहते हैं चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव, ध्रुव बहादुर। किसी चुंबक की शक्ति जहां पर होती है, जहां पाई जाती है, किसी चुंबक की शक्ति जिस जगह पर पाई जाती है, किसी चुंबक की शक्ति जहां पर होती है उस जगह का नाम है चुंबकीय ध्रुव। किसी चुंबक की शक्ति जहां पर पाई जाती है, किसी चुंबक की शक्ति जहां पर होती है उसे का नाम है चुंबकीय ध्रुव। किसी चुंबक की शक्ति जहां पर होती है, किसी चुंबक की शक्ति जहां पर पाई जाती है उसका नाम है चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव किनारे पर होते हैं। चुंबकीय ध्रुव की शक्ति को, चुंबकीय ध्रुव की शक्ति को ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। चुंबकीय ध्रुव की शक्ति को ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। चुंबकीय ध्रुव की शक्ति को ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। चुंबकीय ध्रुव की शक्ति को ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। चुंबकीय ध्रुव की शक्ति को ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। ध्रुव सामर्थ्य को स्मॉल एम द्वारा सूचित किया जाता है। ध्रुव सामर्थ्य को स्मॉल एम द्वारा सूचित किया जाता है। ध्रुव सामर्थ्य को स्मॉल एम द्वारा सूचित किया जाता है। ध्रुव सामर्थ्य का ऐसा ही मात्रक एम्पियर मीटर होता है। किसी चुंबक के ध्रुव की शक्ति को ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। किसी चुंबक के ध्रुव की शक्ति को ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है, स्मॉल एम। इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर मीटर होता है और बीमा आई एल होता है। मात्रक एम्पियर मीटर होता है और बीमा आई एल होता है। ध्रुव सामर्थ्य का ऐसा ही मात्रक एम्पियर मीटर और बीमा आई एल होता है। किसी चुंबक की शक्ति किनारे पर होती है, किसी चुंबक की शक्ति जहां पर होती है उसे ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। किसी चुंबक की शक्ति जहां पर होती है उसे ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। ध्रुव सामर्थ्य को स्मॉल एम द्वारा सूचित किया जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर मीटर होता है और बीमा आई एल होती है। चुंबकीय ध्रुव के गुण की बात करें बहादुर, तो चुंबकीय ध्रुव दो प्रकार के होते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव दो प्रकार के होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहां पर थोड़ा सा आपको हम हेल्प कर दें कि जो काम चैप्टर वन में धन आवेश करता था वही काम अब उत्तरी ध्रुव करेगा। उत्तरी ध्रुव मतलब प्लस और दक्षिणी ध्रुव मतलब माइनस। उत्तरी ध्रुव मतलब प्लस और दक्षिणी ध्रुव मतलब माइनस। उत्तरी ध्रुव मतलब प्लस और दक्षिणी ध्रुव मतलब माइनस। तो बहादुर जो काम वहां प्लस, जहां जहां प्लस आवेश था वहां वहां समझ लीजिए कि अब उत्तरी ध्रुव होगा, और जहां जहां ऋण आवेश था वहां वहां समझ लीजिए कि दक्षिणी ध्रुव होगा। तो चुंबकीय ध्रुव दो प्रकार के होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव हमेशा जोड़े में होते हैं, ध्रुव हमेशा युग्म होते हैं,
अकेले ध्रुव की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब सोचिएगा कि केवल उत्तरी ध्रुव हो, बगल में दक्षिण ध्रुव ना हो, केवल दक्षिण ध्रुव हो, बगल में उत्तरी ध्रुव ना हो, ऐसा संभव नहीं है। केवल सिंगल ध्रुव की बात आप करें तो सिंगल ध्रुव की कल्पना नहीं की जा सकती है। जब भी होगी तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव साथ में होंगे। ध्रुव हमेशा जोड़े में होते हैं, ध्रुव हमेशा युग्म में होते हैं। अकेले ध्रुव की कल्पना नहीं की जा सकती है, ध्रुव हमेशा जोड़े में रहते हैं। बहादुर, ध्रुव हमेशा युग्म में होते हैं। ध्रुव पहले तो चुंबकीय ध्रुव दो प्रकार के, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। ध्रुव हमेशा जोड़े में होते हैं, अकेले ध्रुव की कल्पना नहीं की जा सकती है। सजातीय ध्रुवों में, समान जाति के ध्रुवों में विकर्षण और असमान जाति के ध्रुवों में आकर्षण होता है। यानी समान जाति के ध्रुव होंगे तो विकर्षण होगा और असमान जाति के ध्रुव होंगे तो आकर्षण होगा। समान जाति के ध्रुवों में विकर्षण और असमान जाति के ध्रुवों में आकर्षण होता है। बहादुर, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, रेखा बहादुर चुंबकीय अक्ष कहलाती है। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, मतलब चुंबकीय अक्ष की लंबाई, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी चुंबकीय लंबाई कहलाती है। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी चुंबकीय लंबाई कहलाती है। जैसे देखिएगा, ये जैसे चुंबक है और ये हो गया ध्रुव, ये चुंबक है और ये ध्रुव हो गया। तो बहादुर, दोनों ध्रुवों को जो मिलाने वाली रेखा है, जो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। दोनों ध्रुवों को जो मिलाने वाली रेखा है, इस रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। और दोनों ध्रुवों के जो बीच की दूरी है, दोनों ध्रुवों की जो बीच की दूरी है, इसे चुंबकीय लंबाई कहते हैं। दोनों ध्रुवों के जो बीच की दूरी है, इसे चुंबकीय लंबाई कहते हैं। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। चुंबकीय लंबाई को 2L से सूचित करते हैं। चुंबकीय लंबाई को 2L से सूचित करते हैं। अगर फिर समझिए, चुंबकीय ध्रुव दो प्रकार के होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। ध्रुव हमेशा जोड़े में होते हैं, अकेले ध्रुव की कल्पना नहीं की जा सकती है। समान जाति के ध्रुवों में विकर्षण होता है, असमान जाति के ध्रुवों में आकर्षण होता है। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी चुंबकीय लंबाई कहलाती है। चुंबकीय लंबाई को 2L द्वारा सूचित किया जाता है। चुंबकीय लंबाई एक सदिश राशि है। चुंबकीय लंबाई एक सदिश राशि है। चुंबकीय लंबाई एक सदिश राशि है और इसकी दिशा साउथ से नॉर्थ होती है। याद कीजिए, द्विध्रुव की लंबाई एक सदिश राशि है और द्विध्रुव की लंबाई की सदिश राशि है, उसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की होती है। तो यहां हम बता चुके हैं कि ऋण आवेश मतलब दक्षिण ध्रुव, धन आवेश मतलब उत्तरी ध्रुव। तो बहादुर, चुंबकीय लंबाई की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। द्विध्रुव की लंबाई की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती थी, तो चुंबकीय लंबाई की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। चुंबक की संपूर्ण लंबाई को यहां से टोटल, बहादुर टोटल, चुंबक की संपूर्ण लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। ज्यामितीय लंबाई, चुंबक की जो टोटल लंबाई है, इसे ज्यामितीय लंबाई कहेंगे। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी चुंबकीय लंबाई, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी चुंबकीय लंबाई, और चुंबक की संपूर्ण लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। आप देख सकते हैं चुंबकीय लंबाई थोड़ा छोटा है और ज्यामितीय लंबाई बड़ा है। चुंबक के संपूर्ण लंबाई को चुंबकीय लंबाई, ज्यामितीय लंबाई, और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। चुंबकीय लंबाई बटा ज्यामितीय लंबाई 0.85 होता है। चुंबकीय लंबाई बटा ज्यामितीय लंबाई 0.85 होता है, याद रखिएगा। चुंबकीय लंबाई बटा ज्यामितीय लंबाई 0.85 होता है,
कहीं कहीं इसको 5/6 लिखा जाता है। चुंबकीय लंबाई बटा ज्यामितीय लंबाई 0.85 या 5/6, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। चुंबकीय लंबाई LM बटा ज्यामितीय लंबाई, चुंबकीय लंबाई LM, ज्यामितीय लंबाई LG, ये होता है 5/6। चुंबकीय लंबाई LM, ज्यामितीय लंबाई LG, 5/6 या 0.85। चुंबकीय लंबाई LM, ज्यामितीय लंबाई LG और चुंबकीय लंबाई बटा ज्यामितीय लंबाई 5/6 या 0.85। तो आज हमने आपको क्या क्या बताया कि किसी चुंबक को चुंबकृत कैसे करेंगे और अचुंबकृत कैसे करेंगे। किसी चुंबक में दो गुण होते हैं, वो हमेशा चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है और जब भी लटकाएंगे तो उत्तर दक्षिण दिशा में लटकता है। चुंबक की पहचान मूल गुण जो है, जो वास्तविक गुण है, वो विकर्षण है। चुंबक दो प्रकार का होते हैं, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। चुंबक के पावर किनारे पर होता है जिसे हम चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। चुंबकीय ध्रुव के पावर को ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं, उसके ऐसा ही मात्रा का एम्पियर मीटर और बीमा IL होता है, उसे M से सूचित करते हैं। चुंबकीय ध्रुव के गुण के बारे में हमने बताया। अगले क्लास में हम आपको चुंबक के लिए कूलाम के नियम, दो चुंबक के बीच लगने वाले चुंबकीय बल के लिए कूलाम के नियम के बारे में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।